please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल गौर ने एससी एसटी एक्ट के बहाने इशारों में अपनी सरकार पर तंज कसा। बाबूलाल गौर ने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज के साथ न्याय नहीं होने पर वो बीजेपी से खफा हैं। अगर जल्द उनकी नाराजगी दूर नहीं की गई तो आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए बाबूलाल गौर ने महाभारत का जिक्र किया, न्याय न मिलने की हालत में महाभारत के युद्ध का उदाहरण भी दिया। उन्हीं के वोटरों से हम जीतते हैं, सामान्य वर्ग के वोटरों से। वो हमारे विरोधी नहीं है, वो हमसे इसलिए नाराज है कि तुम न्याय नहीं कर रहे। जैसे भीष्म पितामह खामोश बैठे रहे और जुआ होता रहा, क्या हुआ? युद्ध हुआ, महाभारत हुआ, वहां तो अच्छा नहीं। ऑनलाइन रिटेल कंपनी अमेजॉन और समारा कैपिटल ने आदित्य बिरला समूह की रिटेल स्टोर चेन मोर को खरीद लिया है। जानकारी के मुताबिक अमेजॉन समारा कैपिटल और आदित्य बिरला समूह के बीच ये सौदा 4,200 करोड़ रुपए में हुआ है। समझौते के तहत मोर रिटेल चेन की 51% हिस्सेदारी समारा कैपिटल ने और 49% हिस्सेदारी अमेजॉन ने खरीदी। ABRL यानी आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड के पूरे देश में मोर ब्रांड के 575 रिटेल स्टोर है। आदित्य बिरला रिटेल लिमिटेड पर 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और माना जा रहा है कि इस सौदे के बाद यह कर्ज पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस सौदे को भारतीय रिटेल मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ाने की अमेजॉन की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेजॉन इस सौदे के बाद फ्यूचर ग्रुप और स्पेंसर्स के रिटेल कारोबार में भी हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर सकता है। यूपी के फतेहपुर में एक पति अपनी घायल पत्नी को गोद में उठाकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंचा। दावा है कि वो आदमी अपनी पत्नी की मेडिकल जांच करवाने के लिए कई दिनों से भटक रहा है, लेकिन उसकी पत्नी की मेडिकल जांच नहीं की गई। पीड़ित आदमी ने फतेहपुर और कौशाम्बी के जिला अस्पतालों के प्रबंधन पर उसे इन दोनों अस्पतालों के बीच भटकाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। कौशाम्बी हम लोग कल गए, अब कल वहाँ से वापस फिर आ गए, कोई डॉक्टर नहीं मिला। वहाँ से वापस आए यहाँ, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ, हम लादे लादे फिर रहे मरीजों को। दावा है कि पिछले 4 दिनों तक भटकने के बाद जब पीड़ित की पत्नी की मेडिकल जांच नहीं हुई तो वो परेशान होकर कलेक्टर के पास पहुंचा। कलेक्टर ने कौशाम्बी अस्पताल को महिला की मेडिकल जांच करने के निर्देश दिए और उन्हें अपनी तरफ से एम्बुलेंस भी मुहैया करवाई गई। बताया गया कि पीड़ित की पत्नी और उसके परिवार के कुछ सदस्य जमीन को लेकर हुए दो पक्षों के बीच विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ईडी को एयरसेल मैक्सिस केस की जांच पूरी करने के लिए और मोहलत। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एयरसेल मैक्सिस मामले की जांच पूरी करने के लिए 3 महीने की और मोहलत दे दी। राजस्थान के अलवर में एक अस्पताल में बंद पड़े हॉस्टल को शुरू करने की मांग को लेकर नर्सिंग के छात्रों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा में एक महिला का एटीएम कार्ड बदलकर पैसे चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को पकड़ लिया। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का बिल विधानसभा में पारित कर ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, जिसके बाद अब इसे मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। यूपी के उन्नाव में नवाबगंज ब्लॉक प्रमुख अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि मीडिया में धमकी भरा फोन आने की जानकारी देने पर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के नाम से फिर अवैध वसूली के लिए धमकी दी गई। राजस्थान में वेतन में सुधार समेत दूसरी मांगों को लेकर जारी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से यात्रियों की मुश्किल और बढ़ गई। दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में एक गवाह ने गवाही बदलने के लिए धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। जब इन्होंने मना किया कि हम मैं पैसे नहीं लूंगी, मुझे इंसाफ के लिए इंसाफ चाहिए, तो बोला इंसाफ चाहिए तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब से छुड़ाई गई एक महिला ने हैदराबाद पहुंचने पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को धन्यवाद दिया। सुषमा मैडम शुक्रिया। पंजाब के मुक्तसर में कुछ लोगों पर रेप के एक आरोपी की आत्महत्या करने के बाद उसे पकड़ने आई हरियाणा पुलिस की एक टीम के ऊपर हमला करने का इल्जाम लगा।